top 10 private bee schools in India. Our focus is on cutting-edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech, excellence with values. इतना थिक स्लम पॉकेट होने के बावजूद और इतना कमर्शियल होने के बावजूद वहां के लोगों ने इतना कोऑपरेट किया, इतना प्यार दिया. मैं अगर एड्रेस कौन हमारी तरफ से वहां उन तक पहुंच सकते हैं तो एक बिग बिग थैंक्स टू देम. बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत अच्छी तरह से शूटिंग हुआ. हमने सोचा नहीं वहां पर जब हम एंटर कर रहे थे ऑलमोस्ट 1.5-2 किलोमीटर हम स्लम के अंदर एक छोटी सी गली में जहां पे एक गाड़ी जाना बहुत मुश्किल से जा रहे थे हम लोग और वहां पे पूरा एंटायर डे भी शॉट विदाउट अ हैसल एंड पीपल वर सो कोऑपरेटिव फॉर कमिंग. दे वर मतलब अमेजिंग था. ये इससे पहले गई थी हमारे साथ. क्या बात है. जैसे सिंह साहब ने कहा कि जब क्राइम होता है तो पुलिस स्टेशन में जाओ, एनसी दिखाओ, फिर उसका इन्वेस्टिगेशन के लिए क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में 2-45 मिनट का जो चंक है वो इसमें कम से कम 10-15 मिनट चले जाएंगे. और अगर हम थर्ड डिग्री टॉर्चर दिखाते हैं एक आदमी को जब हम झापड़ मारते हैं दैट मीन्स हमने उनके साथ कहीं ना कहीं फिजिकल ट्रीटमेंट स्टार्ट किया है. तो वो उसको लटकाना, टायर में लटकाना, मारना जो हमारा थर्ड डिग्री पुलिस वाले देते हैं वो दिखाने चाहे तो और 15 मिनट गया तो अलाउड भी नहीं है. तो वो एक थप्पड़ अगर मैं मारता हूं तो नेक्स्ट जब वो कन्फेशन करता है तो उसके गाल मतलब लाल हुए हैं या स्वोलन है दैट मीन्स उसको थोड़ा फिजिकल टॉर्चर दिया गया है. तो वो एक थप्पड़ में वो सब जाहिर कर देते हैं हम लोग. उसको बार बार मार के उठा पटक ये वो नहीं दिखा सकते. बहुत ज्यादा ब्रूटल भी लगता है. इवन आप अगर देखते हैं उसको टेलीविजन पे कोई किसी को मार रहा है तो अच्छा नहीं लगता. दैट्स द ओनली रीजन. जहां पे मतलब ऐसे मजाक मस्ती में कहीं जगह पे घर देखने के लिए चले गए हैं तो किसी की प्रॉपर्टी है तो वहां पर पता चला कि जो चाबी लेके आया था वो चाबी लगा के देख रहा और लग नहीं रहा है. तो वो लोग मतलब उनके घर वाले तो मजाक मस्ती शुरू करते हैं. दया जी है नहीं तोड़ेंगे शुरू हो जाता है. बट किसी और के प्रॉपर्टी में हम कुछ कर नहीं सकते. तो बेचारा वो चाबी वाले को भेज रहा है, बोले बुला उसको, वो खोल के बैठ के वो ट्राई कर रहा है. लास्ट में जब थक हार के बैठे धीरे से बोला बोले चलो कोशिश कर लेते हैं और धीरे से झटका मारते ठाक और चला गया अंदर. तो ऐसे देख रहे हैं क्या हो गया. तो बहुत बार ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं. मैंने अपने घर का दरवाजा तोड़ा है. बच्ची मेरी बहुत छोटी थी, उसने मेरी बाइक को बाथरूम में बंद कर दिया और वो पूरे घर में रोते हुए घूम रही थी. बाइक बाथरूम के अंदर रो रही है, मेरी बेटी घर में रो रही है, खुल नहीं रहा था तो तोड़ना पड़ा. और